अगर आपको लगता है कि गिटार का ट्रांसफर एडजस्टमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, या आप अपने गिटार का एक्शन चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता किस तरह से करना है, then believe me, this video is the right one for you. Hi guys, it's me, Adit Kundra from Adit Guitar Lessons. ये वीडियो जो है, this is going to be a very important lesson for you, क्योंकि जो इसका टॉपिक है, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही रेलेवेंट है फॉर ऑल ऑफ अस गिटार प्लेयर्स, बट एट द सेम टाइम मैंने जो जनरली देखा है कि लोग इस टॉपिक से बहुत भागते हैं, क्योंकि उनको या तो लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम नहीं कर सकेंगे, या उनको लगता है कि हवा सा होता है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो गिटार का नेक मेरा डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए जनरली लोग अवॉइड करते हैं. एंड यही जो कंसर्न है, इसको मैं आप खत्म करना चाहता हूँ. इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में अगर आपको कोई की टेक अवे मिले या की मैसेज मिले, वो ये है कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ये आप सब आराम से घर में बैठ के खुद कर सकते हैं और आप सबको करना भी चाहिए. दैट इज द मैसेज विच आई वॉन्ट कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिलना चाहिए. ओके, सो बेसिकली ट्रस्ट रॉड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि गिटार में एक ट्रस्ट रॉड होती है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है. ठीक है, तो हम उन सब चीजों पे आएंगे, पहले हम थोड़ी सी ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन हम पहले करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रस्ट रॉड? तो ये हमारा गिटार होता है, गिटार का जो नेक होता है ये वुड का नेक है, ये गिटार का नेक है, इस पे स्ट्रिंग्स लगी हैं. तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, मैं गिटार को साइड पे रख देता हूं, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस आपका जो नेक है ये आगे पीछे मुड़ सकता है. क्या रीजंस हो सकते हैं कि मान लीजिए वेदर, जो टेम्परेचर चेंजेस या ह्यूमिडिटी चेंजेस के कारण जो वुड है ये आगे पीछे हो सकता है. देन आपकी जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स की अगर बहुत आपने बहुत टाइट स्ट्रिंग्स करी हुई है, या मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग्स बहुत ही ज्यादा हायर गेज की हैं, तो उनमें उनकी जो स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो ज्यादा होगी, तो अगर स्ट्रिंग्स ज्यादा जोर से खींचेंगे तो आपका जो फ्रेटबोर्ड है वो आगे की तरफ मुड़ सकता है. ठीक है, ये एक रीजन हो गया. देन आपकी जो प्लेइंग स्टाइल है, मान लीजिए आपका अगर आप बहुत परकसिव गिटार करते हैं, मतलब परकसिव में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्लेइंग स्टाइल पे भी आपका जो नेक है वो आगे पीछे हो सकता है. या मान लीजिए आपने गिटार को सही तरह से नहीं रखा, अगर आप गिटार को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे रख के घूमते हैं तो आपके गिटार के नेक में बहुत सारा टेंशन पड़ सकता है, एज अ रिजल्ट भी जो आपका नेक है वो आगे पीछे मुड़ सकता है. ठीक है, तो वुड है, वुड आगे पीछे मुड़ सकता है. अब ये मुड़ना जो होता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए इस नेक के अंदर एक स्टील की रॉड लगी होती है, जिसको ट्रस्ट रॉड बोला जाता है. ठीक है, तो ट्रस्ट रॉड इज बेसिकली दैट स्टील रॉड जो आपकी फ्रेट, जो आपका फ्रेटबोर्ड या नेक जो है इसको आगे पीछे काउंटर बैलेंस करने में हेल्प करती है. तो नेक के मुड़ने से बेसिकली क्या होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा गिटार का नेक है और ये हमारी स्ट्रिंग्स है, अगर हमारा नेक आगे की तरफ चला गया तो हमारा जो जो डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड द फ्रेटबोर्ड है ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ने से आपको ज्यादा जोर से प्रेस करना पड़ेगा, दैट विल बी अ कंसर्न. अगर मान लीजिए आपका नेक पीछे की तरफ चला जाता है तो आपका जो स्ट्रिंग्स है वो आपकी फ्रेट्स में टच करेंगी, तो फिर फ्रेटबोर्ड बज आएगा. तो इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं. अगर मान लीजिए आपका जो नेक है वो आगे की तरफ मुड़ता है तो उसको फॉरवर्ड बो बोला जाता है, कि आपका फॉरवर्ड की तरफ मुड़ रहा है. अगर पीछे की तरफ जाता है तो उसको बैकवर्ड बो बोला जाता है. अब जो ट्रस्ट रॉड होती है ना, ट्रस्ट रॉड बेसिकली तीन चीजों को इम्पैक्ट करती है. पहली चीज होती है रिलीफ, सेकंड चीज होती है एक्शन, एंड थर्ड चीज होती है इंटोनेशन. मैं आपको क्विकली बताया तो इन तीनों का मतलब क्या होता है. तो रिलीफ का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका नेक है, नेक और जो स्ट्रिंग्स होती है ना, ये जनरली पैरेलल नहीं होती. तो आगे जो बिल्कुल हेड होता है, हेड की तरफ आपका नेक थोड़ा सा मुड़ा होता है. वो मुड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटेंशनली स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड रिलीफ. जो एक्शन टर्म होता है, एक्शन टर्म बेसिकली मतलब होता है स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड के बीच का डिस्टेंस. एंड इंटोनेशन होता है कि आपका हर फ्रेट में आर यू गेटिंग द राइट टोन और नॉट. जो आपका ट्रस्ट रॉड होता है, इन तीनों चीजों को इम्पैक्ट करता है. लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल चीज रखेंगे, क्योंकि अगेन द इंटेंट वीडियो का यह है कि मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो हम सब सिंपल रखेंगे. हम बेसिकली एक्शन के बारे में बात करेंगे. तो एक्शन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेटबोर्ड एंड द स्ट्रिंग्स. अगर आपका एक्शन बहुत ज्यादा होएगा तो आपको स्ट्रिंग्स बहुत जोर से प्रेस करनी पड़ेंगी एंड थोड़ा पेन हो सकता है. अगर आपका एक्शन बहुत कम हुआ तो आपकी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो फ्रेट में बार बार लगेंगी एंड एक बजिंग साउंड आएगा, विच इज नॉट वेरी प्लीजिंग एज वेल. विच इज वाई जो ट्रस्ट रॉड होता है, इसका एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपकी प्लेइंग के हिसाब से आपका एक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए. अब इधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन का ऑफकोर्स देर आर सर्टन मेजरमेंट्स कि आपका एक्शन इतना होना चाहिए, लेकिन अगेन मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्शन डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस. मेरे को काफी प्लेयर्स पता है जिनको इंटेंशनली थोड़ा हायर एक्शन ज्यादा पसंद है. मेरे को ऐसे भी प्लेयर्स पता है जिनको लोअर एक्शन रखना पसंद है. सो अगर मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स भी बताऊंगा, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्शन अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रखना है एंड रादर देन फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट. तो ट्रस्ट रॉड जो होती है, ट्रस्ट रॉड बेसिकली दो तरह की होती है. एक तो होती है सिंगल एक्शन ट्रस्ट रॉड, एक होती है ड्यूअल एक्शन ट्रस्ट रॉड. सिंगल एक्शन ट्रस्ट रॉड में क्या होता है कि आपकी जो फ्रेटबोर्ड होता है उसके अंदर जो रॉड होती है वो एक रॉड होती है जो एक तरफ से फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ थ्रेड्स लगे होते हैं.
करते हैं तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो ड्यूअल एक्शन ट्रस्ट रॉड होती है, ड्यूअल एक्शन में क्या होता है कि बीच में एक फिक्स रॉड होती है और दोनों एंड्स में थ्रेड्स होते हैं, तो आप उसको दोनों साइड से कर सकते हैं। जनरली जो गिटार्स होते हैं, इनफैक्ट जनरली क्या 99% ऑफ द गिटार्स जो आपको इंडिया में मिलेंगे अकूस्टिक गिटार्स, वो सारे सिंगल एक्शन होंगे, जिसमें यहाँ पे आपका जो अंदर जो रॉड है यहाँ पे फिक्स्ड है और इस तरफ थ्रेड्स लगे हैं, तो आप यहाँ से अपना ट्रस्ट रॉड एडजस्ट करेंगे। कई कई गिटार्स ऐसे भी होते हैं जिसमें यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं, तो उसका आपको यहाँ पे एक प्लेट सी होती है, प्लेट को निकालना पड़ता है और यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन वंस अगेन जो मेजॉरिटी गिटार्स, अकूस्टिक गिटार्स जो इंडिया में आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे जो होंगे उसमें थ्रेड्स इस तरफ होंगे एंड इट विल बी अ सिंगल एक्शन ट्रस्ट रॉड। ओके, सो अब हम आते हैं उस प्रोसेस में कि गिटार का जो ट्रस्ट रॉड है इसका एडजस्टमेंट किस तरह से करना है। तो इसके लिए मेरे कुछ स्टेप्स हैं, मैं चाहता हूं उन स्टेप्स को फॉलो करें। तो स्टेप नंबर वन है कि आपको देखना पड़ेगा कि गिटार का जो नेक है इसमें फॉरवर्ड बो है कि बैक बो है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको ये देखना है कि आपका जो गिटार है इसका जो नेक आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, या बेसिकली और भी सिंपल तरीके में बोलूं तो आपको बेसिकली ये देखना है कि आपको गिटार का एक्शन एडजस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है। अब इसको जरूरत है कि नहीं है इसको चेक करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो पहला तरीका होता है कि आप एक रूलर होता है जिसको स्ट्रेट एज बोला जाता है, उस रूलर को आप फ्रेट पे ऐसे लगा के देखते हैं एंड देन आप चेक करते हैं कि कितना ज्यादा डिस्टेंस है। कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, फॉरगेट दोस मेजरमेंट्स। सेकंड तरीका होता है कि आप देखेंगे कि जनरली लोग क्या करते हैं कि गिटार होता है ना, गिटार को ऐसे फ्लैट रखते हैं फेसिंग अप, फिर अपनी फर्स्ट फ्रेट जो होती है कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, एनी स्ट्रिंग, जनरली टॉप की स्ट्रिंग्स लेते हैं, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। फर्स्ट फ्रेट में लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली रखेंगे और अपने 14th फ्रेट या 15th फ्रेट कहीं भी राइट हैंड की छोटी उंगली रखेंगे एंड बीच में अपनी थंब से ऐसे प्रेस करके देखेंगे कि कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं जो जनरली लोग फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों तरीकों को फॉलो ना करो, मैं चाहता हूं कि कोई भी तरीका फॉलो ना करो। देयर इज नो मेजरमेंट दैट यू नीड टू नो, देयर इज नो उंगली दबा के करने वाला प्रोसेस दैट यू हैव टू डू। बड़ी कॉमन सेंस की बात है यार, अगर आप अपना गिटार कर रहे हो ना देन यू विल जस्ट नो इट। आपको पता होगा प्लेइंग करके कि यार ये गिटार जो है इसका एक्शन थोड़ा ज्यादा है तो मेरे को थोड़ा कम करने की जरूरत है, या मेरे को बजिंग हो रही है तो मैं थोड़ा सा एक्शन बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। जस्ट गो बाय ऑन प्लेइंग। अगर आपको नहीं भी पता तब भी एक्सपेरिमेंट करो। देखो बेसिकली रिमेंबर द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप मल्टीपल चीजें करो, दिमाग ना लगाओ ज्यादा कि यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करो बैठ के, क्योंकि नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन अगर इफ यू फॉलो द राइट स्टेप्स, अगर मेरे प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो आई जस्ट वांटेड टू गेट इन दिस हैबिट कि आपने मेजरमेंट नहीं करना, आप प्ले करो, हर हफ्ते चेक करो, अगर लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया तो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट आउट, खुद करो बैठ के, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज। तो स्टेप वन था कि हमने देखा कि हमारे को एक्शन अपना चेंज करना है, एडजस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। अब स्टेप टू है कि अगर हमारे को करने की जरूरत है तो हमारा जो नेक है वो किस तरफ जाना चाहिए। तो अगर मान लो आपका एक्शन बहुत हाई है, हाई होने का मतलब है आपका गिटार जो है फ्रेट बोर्ड जो है वो आगे की तरफ है तो डिस्टेंस ज्यादा है, ये फ्रेटबोर्ड है ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है। अगर हाई है तो अगर मान लो आपको एक्शन अपना कम करना है तो आपको अपने फ्रेटबोर्ड को पीछे लेके जाना पड़ेगा ताकि डिस्टेंस कम हो जाए। अगर मान लो आपका एक्शन बहुत कम है और आपका फ्रेट्स बज कर रही है तो आपको अपना फ्रेटबोर्ड को आगे लेके जाना पड़ेगा। स्टेप टू इज डिपेंडिंग ऑन आपको एक्शन एडजस्ट करना है कि नहीं करना, आपका जो नेक है वो आगे जाना चाहिए कि आपका नेक पीछे जाना चाहिए, बस सोचो देखो। नाउ स्टेप थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपका एक्शन जो है वो लो है, अगर आपकी स्ट्रिंग्स बज कर रही हैं और अपने फ्रेटबोर्ड को आपको आगे करना है, देन आपको अपनी स्ट्रिंग्स को टाइट या लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये फ्रेटबोर्ड है हमारा, ये स्ट्रिंग्स है, अगर आप आगे कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर अगर मान लीजिए आपका एक्शन ज्यादा है, डिस्टेंस आपके फ्रेट्स और आपके स्ट्रिंग के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और आपको एक्शन कम करना है, तो अगर आपका एक्शन हाई है मतलब स्ट्रिंग्स ऑलरेडी फ्रेटबोर्ड को अपनी तरफ खींच रही हैं, स्ट्रिंग्स जो है अपनी तरफ खींच रही हैं। अब अगर आप स्ट्रिंग्स खींची हुई स्ट्रिंग्स पे आप अपने फ्रेटबोर्ड को पीछे करेंगे ना तो स्ट्रिंग्स टूट सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, याद रखिएगा, अगर आपने अपने फ्रेटबोर्ड को पीछे करना है या आपने एक्शन अपना लो करना है तब ऑलवेज लूजन द स्ट्रिंग्स। मेरे को पता है काफी लोग लूज नहीं करते और उनका रैशनल ये होता है कि नहीं हमारे को स्ट्रिंग्स की टेंशन पे चेक करना है कि हमारा फ्रेटबोर्ड सही पोजिशन पे है कि नहीं, मतलब सही एक्शन है कि नहीं, बट नो, अगर मान लो आपको फ्रेटबोर्ड को टाइट करना है पीछे करना है then always loosen the strings। अगर आपको फ्रेटबोर्ड को आगे करना है, एक्शन जो बढ़ाना है, तब आपको लूज या स्ट्रिंग टेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने स्टेप फोर में, जिसमें हमारे को एक्चुअल अपने ट्रस्ट रॉड को एडजस्ट करना है। अब ट्रस्ट रॉड को एडजस्ट करने के लिए आपको ये टूल चाहिए, इसको एलन की बोला जाता है, ठीक है। तो ये एल शेप होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि जो ट्रस्ट रॉड है इसका एडजस्टमेंट आप यहाँ अंदर करेंगे, अपने साउंड होल के अंदर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा अंदर एक छोटा सा होल होगा, उसमें आपको एडजस्ट करना है। तो आप इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपने क्या करना है, आपने अपने ट्रस्ट रॉड की ये छोटी वाली साइड जो है इसको आपने अब साउंड होल के थ्रू उस होल में डालना है एंड देन यू हैव टू मूव इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हाउ द ट्रस्ट रॉड एडजस्टमेंट हैपेंस। तो दिस इज द टूल दैट यू नीड टू यूज, ये इसको बोला जाता है एलन की। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी एलन की को किस डायरेक्शन में घुमाना है और कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज तो डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को करने के लिए जनरली लोग एक ना फ्रेज सा याद रखते हैं, वो होता है
लेफ्टी लूजी राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी करके। तो ये जो है फ्रेज जो है जनरली मैंने देखा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है या मेरे बहुत देसी स्टूडेंट्स है इसलिए उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी। तो उनके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा बनाया था, ठीक है, एक कॉपी राइट है मेरा, मतलब कॉपी राइट नहीं है बट ऐसे ही मैंने खुद बनाया था, जिसको मैं बोलता हूँ लापड़। तो पंजाबी में लापड़ का मतलब होता है थप्पड़ मारना, ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम है बट लापड़ इज द वे आई टीच माई स्टूडेंट्स। अब मैं भी चाहता हूँ कि आप लापड़ करो, बहुत सिंपल है तरीका। लापड़ मतलब LAPR मतलब अगर आप लेफ्ट करोगे, L का मतलब लेफ्ट और आखिरी R का मतलब राइट, ठीक है, तो लेफ्ट करोगे तो आगे आएगा, अगर राइट करोगे तो पीछे आएगा। तो LAPR लेफ्ट किया तो आगे, पीछे करना है तो राइट। लापर बेसिकली अगर मैं मानो ये मेरा फ्रेटबोर्ड है और मेरा एक्शन जो है एक्शन बहुत ज्यादा है मतलब मेरे को अपने गिटार जो है मेरा जो फ्रेटबोर्ड है इसको आगे करना है कि पीछे करना है। अगर मेरा एक्शन ज्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेटबोर्ड पीछे हो, अगर पीछे करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, PR राइट। तो मैं अपनी ट्रस्ट रॉड को डालूंगा और मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रस्ट रॉड ऐसे डाली हुई है या आपने ट्रस्ट रॉड अंदर डाली, देन आप उसको राइट की तरफ घुमाएंगे ताकि आपका जो फ्रेटबोर्ड है पीछे की तरफ जाए। अगर मान लो आपका एक्शन बहुत कम है, तो स्ट्रिंग्स फ्रेट्स पे बज कर रही है, तो आपको अपने फ्रेटबोर्ड को आगे लेके जाना है। अगर आगे लेके जाना है तो मतलब LA, आगे मतलब लेफ्ट, तो अगर आप लेफ्ट घुमाओगे तो ये आगे आएगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी देसी तरीका ऑफ रिमेम्बरिंग इट, बट इट्स द सेम एज राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी, जिसका बेसिकली मतलब है अगर आप राइट करोगे तो आप अपने ट्रस्ट रॉड को टाइट कर रहे हो, अगर आप टाइट करोगे ट्रस्ट रॉड को तो दिस मीन्स कि जो ट्रस्ट रॉड है वो पीछे की तरफ जाएगी, अगर आप लेफ्ट करोगे तो लूज होएगा तो वो फ्रेटबोर्ड जो आगे हुए। डेली लोगों को समझ में नहीं आता आगे पीछे जो होता है, वो लोगों को समझ में आता है, ठीक है, टाइटी लूजी नहीं समझ में आता। तो आप भी वो याद रखिए, लेफ्ट किया तो आगे आएगा, ट्रस्ट रॉड को राइट किया तो पीछे जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली चीज कि किस डायरेक्शन में आपने एल्बम की घुमाना है। सेकेंड चीज जो ये है वो है कि आपने जो मूवमेंट्स करने हैं ना आपने बहुत कम करने हैं, मतलब जनरली रिकमेंडेड होता है क्वार्टर ऑफ अ टर्न, बेसिकली मतलब कि आपने अपनी ट्रस्ट रॉड को अंदर डाला, बेसिकली ऐसे ऐसे करा, तो सिर्फ ये सर्कल होता है ना, सर्कल का 1/4 इतना ही आपने घुमाना है बस। तो इसके बेसिकली दो रीजंस हैं कि क्यों आपको जो एलन की है उसको ज्यादा टर्न नहीं करना। पहला रीजन तो ये है कि आप जरा सा भी टर्न करेंगे ना उसका ट्रस्ट रॉड में इम्पैक्ट काफी होता है, a little bit goes a long way, as simple as that. And second reason ये है कि आपको जो impact होता है ना वो आपको immediately नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने देखा है लोग generally बहुत गलती करते हैं कि वो घुमाते रहते हैं कि उनको लगता है कि कुछ हो कि ना, वैसे थोड़ा बहुत उनको तभी भी दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो ट्रस्ट रॉड होती है ना इट माइट टेक इवन अप टू अ डे टू प्रॉपरली सेटल डाउन, विच इज वाई एडवाइजेबल होता है कि आप जरा सा टर्न करें एंड देन लेट द गिटार बी फॉर वाइल। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं आधे से एक घंटा वेट करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से क्वार्टर फिनिश टर्न करता हूँ, आधा एक घंटा वेट करता हूँ, फिर उसका फिर से करता हूँ। तो याद रखिएगा आपने जो टर्न्स करने हैं आपने टर्न्स थोड़े से ही करने हैं, एंड जो टर्न्स है इमीडिएटली आपने बहुत सारा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा टर्न किया, गिव इट सम टाइम टू रेस्ट, फिर एक और करो, देन गिव इट सम टाइम टू रेस्ट। स्टेप 5 जो है वो बेसिकली ये है कि आप अपने गिटार को बार बार ट्यून करते रहें आफ्टर एवरी स्मॉल एडजस्टमेंट। तो बेसिकली मान लीजिए हम अपना एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्वार्टर ऑफ अ टर्न किया, देन गिटार को ट्यून करा, देन गिटार को एक घंटे के लिए हमने रख दिया, एक घंटे बाद हमने ट्राई करा, अगर हमको लगता है कि हमारा डिजायर्ड एक्शन अब हो गया है बहुत बढ़िया, अगर हमको लगता है कि अभी भी और थोड़ी जरूरत है तो हम फिर से क्वार्टर ऑफ अ टर्न करेंगे, फिर से गिटार को ट्यून करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट लेट इट बी फॉर 1 आवर। सो हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे टिल द टाइम हमारे को लगता है कि सही हमारा एक्शन नहीं हो गया। बस एक बात याद रखिएगा कि जब ट्रस्ट रॉड को टाइट कर रहे हैं सो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट आपके ट्रस्ट रॉड और नहीं हो पाएगी, क्योंकि थ्रेड्स हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे थ्रेड्स जो है वो खराब हो सकते हैं एंड तब आपके ट्रस्ट रॉड में डैमेज हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आप कॉमन सेंस करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि ट्रस्ट रॉड जो है इसके आगे मैं मूव नहीं कर सकता, सो लेट मी जस्ट स्टॉप, इसके आगे मूव करने का कोई फायदा नहीं। ओके, सो लेट मी जस्ट रिपीट दोस 5 स्टेप्स फॉर यू। स्टेप नंबर 1 था कि हमने देखा कि हमारे को गिटार जो है उसका एक्शन एडजस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, एंड वो हम अपनी प्लेइंग से करेंगे। स्टेप नंबर 2 है कि अगर हमारे को एक्शन एडजस्ट करना है तो हमारे को अपना जो नेक है, जो फ्रेटबोर्ड है, उसको आगे की तरफ करना है कि पीछे की तरफ करना है। स्टेप 3 है कि अगर मान लीजिए हमारे को अपने फ्रेटबोर्ड को पीछे की तरफ करना है, नेक को पीछे की तरफ करना है, then it's always better कि हम अपनी जो strings हैं, strings को loose करें। अगर हमारे को अपनी fret neck को आगे की तरफ करना है, तो आप string को loose करें, ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। Step number 4 था जिसमें आप actual अपना thrust rod adjustment कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताया था लापड़ मतलब left किया तो आगे आएगा और पीछे करना है तो right करो। And of course जो Allen की adjustment होएगा, वो आपने quarter of a turn ही करना है। एंड स्टेप नंबर 5 ये था कि आपने एलन की हर क्वार्टर टर्न के बाद आपने गिटार को वापस ट्यून करना है एंड थोड़ी देर के लिए रख देना है
आइडियली अबाउट आधे से एक घंटा, ताकि आपका गिटार का जो नेक है वो एक तरह से सेटल कर ले, एंड देन यू विल कीप रिपीटिंग द प्रोसेस टिल द टाइम आपको लगता है कि जो एक्शन है वो सही हो गया। ओके, सो दोज वर माई 5 steps टू एडजस्ट द ट्रस रॉड। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें कि बहुत सिंपल चीज है, कुछ हवा नहीं है। आई वॉन्ट यू टू डू दीज थिंग्स, कुछ फालतू के मेजरमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ वो उंगली रख के तरीके करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्लेइंग पे जाओ एंड जस्ट एडजस्ट द एक्शन टिल द टाइम यू रीच दैट पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि अभी मेरा एक्शन है बेस्ट है फॉर माई गिटार प्लेइंग। ओके, सो आई रियली होप यू एंजॉय दैट लेसन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने खुद की बनाई हुई हैं, जस्ट टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड टू मेक देम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, देन प्लीज गो फॉर माई कोर्सेज एज वेल। मेरे अभी काफी कोर्सेज निकल चुके हैं एंड वो सारे जो कोर्सेज हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, सो यू कैन एक्चुअली चेक दोस कोर्सेज आउट इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो दिस इज आदित्य कुंद्रा एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।